हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और परमेश्वर के महान प्रेम और अनुग्रह के लिए। आज का दिन डे ऑफ सैल्वेशन है ना, डे ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का दिन। और आज के दिन ट्रेडिशनल वे में भी लोग मना रहे हैं और स्पिरिचुअल वे में भी मना रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्पिरिचुअल होंगे तो स्पिरिचुअली एंजॉय करेंगे और ट्रेडिशनल होंगे तो ट्रेडिशनल वे में उसको मनाएंगे। परमेश्वर का वचन हमको ट्रेडिशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशन। सिंबल्स को फॉलो करना ट्रेडिशन है। सिंबल्स को पूरी दुनिया में लोग सिंबल्स फॉलो करते हैं, सिंबॉलिक वे को फॉलो करते हैं। जैसे वाटर बैप्टिज्म इज अ सिंबल ऑफ द स्पिरिचुअल बैप्टिज्म, यानी बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, द सिंबल इज वाटर बैप्टिज्म। लोग वाटर बैप्टिज्म को ज्यादा, सिंबल को ज्यादा महत्व दे रहे हैं बजाय रियलिटी को, ट्रुथ को। ट्रुथ हमको चाहिए क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर के वचन से, प्रभु यीशु मसीह से, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से, कलीसिया से जो हमारा संबंध है वो सिंबॉलिक नहीं है बल्कि रियलिटी में होना चाहिए। और इसलिए ज्यादा लोग सिंबल्स को पकड़ के खड़े हुए हैं और सिंबल को पकड़ना यही ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन आपको सिंबल पकड़ाता है। सिंबल पकड़ने से अच्छा है ट्रुथ पकड़ो। यीशु मसीह को जब गिरफ्तार कर लिया गया था, पिलातुस के पास ले गए थे, तो पिलातुस ने उससे एक बात पूछी थी। मेरे साथ निकाल लीजिए, दुनिया के सामने ये सवाल है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय, द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 18 18 अध्याय और उसका पैंतीस पद से पढ़िए 35, 36, 37। पिलातुस ने उत्तर दिया, नहीं 35, पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है, यानी तेरी जाति के लोगों ने मुझे तेरे हाथ में, ये गवर्नर है जी, तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य, ये किस राज्य की बात कर रहा है? दिस इज व्हाट द किंगडम ऑफ गॉड। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है परमेश्वर का राज्य। आज किसको परमेश्वर के राज्य की सुधी या जरूरत है? सब सिंबल्स पकड़ के खड़े हुए हैं, दे ऑल फॉलो द ट्रेडिशन। यीशु मसीह जब गिरफ्तार होकर गया गवर्नर के सामने, उसी की जाति के लोगों ने उसको पकड़वाया था। आप क्या सोचते हैं कि आप जिन लोगों के साथ हैं, आपकी जाति के लोग, वह आपको छोड़ देंगे? जिसने मसीह को नहीं छोड़ा, मसीह के लोगों ने आपको भी नहीं छोड़ेंगे। वो सब समय पर सब पल्ला झाड़ के खड़े हो जाएंगे। जब आप कभी फंसिए तो किसी मैटर में, देखिए वो आपको एक्सकम्युनिकेट कर देंगे समाज से, अपनी कम्युनिटी से बहिष्कृत कर देंगे, हमारे से कोई लेना देना नहीं। और ये प्रैक्टिकल बात है। लेकिन लोग फिर भी कम्युनिज्म में बिलीव करते हैं, समाज, मेरा समाज, मेरे लोग। यीशु मसीह से सीखिए, इसने हमें जिंदगी का रास्ता दिखा दिया, वो सत्य का रास्ता। जब तुम सत्य को फॉलो करोगे कोई शायद तुम्हारे साथ ना खड़ा हो। लेकिन मालूम है कौन है? स्वर्ग की सेना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये सब तुम्हारे साथ होंगे। तुम अकेले नहीं होगे। कभी ये मत सोचना मैं अकेला हूं। जब जब जिसने बोला कि मैं अकेला, मालूम आपको, मैं आपको याद दिला दूं, पूरी बाइबल किसी को याद नहीं रहती है, लेकिन आपको पूरे समय ये परमेश्वर का वचन याद रहना चाहिए। एक बार पुराने नियम में एलिया ने कहा परमेश्वर से, देख मैं अकेला बचा हूं, और सबको मार दिया गया, सारे भविष्यवक्ता मार दिया, मैं अकेला बचा हूं। परमेश्वर का, चलो तो अकेला नहीं है, 7,000 मैंने छोड़े हैं, मैंने 7,000 भविष्यवक्ताओं को छिपा रखा है। परमेश्वर के पास उसके लोग हैं, ऑलवेज इन द वर्ल्ड। कभी मत सोचिएगा मैं अकेला हूं, आप अकेले नहीं है, देयर आर सो मेनी। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें रखा है, तुम्हें भी छुपा के रखा है। तुम एक दूसरे को नहीं जानते होगे, लेकिन परमेश्वर उन सबको जानता है जो परमेश्वर के लोग हैं।
उसने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते और मैं यहूदियों के हाथ सौंपा नहीं जाता जी, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा? दूसरा क्वेश्चन उठा, किंगडम की बात कर रहा है, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि तू कह रहा है कि मैं राजा हूं, मैंने इसलिए जन्म लिया है और इसलिए संसार में आया हूं। काहे के लिए आया था? कहां गया वो सत्य जिसकी गवाही देने के लिए वो आया था? जीसस सेड आई एम द ट्रुथ, सत्य मैं ही हूं। और सत्य के द्वारा जब महायाजकीय प्रार्थना कर रहा था तो पिता से कह रहा था, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, कौन? जो मुझ पर विश्वास करते हैं, पहले अपने चेलों के लिए, उसके बाद चेलों के द्वारा जो मुझ पर विश्वास करेंगे, यानी हम तक के लिए, हमारे आगे तक की जनरेशन के लिए प्रार्थना की थी, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। और तेरा वचन, तो अपने वचन के द्वारा इन्हें पवित्र कर। कहां गया वचन? कहां गया सत्य? जी, जो कोई सत्य का है, यहां पर उसने एक बहुत बड़ा राज खोला है। जो कोई सत्य का है वो मेरी आवाज सुनता है, मेरा शब्द सुनता है। वॉइस की बात कर रहा है, वर्ड, रिटन वर्ड की बात नहीं कर रहा, वो मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, आह, पिलातुस के दिमाग में घंटी यानी बत्ती जल गई, कहने लगा सत्य है क्या? उसके बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। सत्य है क्या? ये तो तुम्हारी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी सत्य को समझकर सत्य पर चलने में, जीवन लग जाएगा। ये एक ऐसा प्रश्न है, ये आपको सारी जिंदगी इसको सर्च करना पड़ेगा, सारी जिंदगी सर्च करो और चलो, सर्च करो और चलो, इसको कहते हैं सत्य। सत्य कोई आपको बैठे बैठे एक एक लाइन में सत्य होता तो दे दिया जाता। सत्य हमें कौन, पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने क्या बोला था अपने चेलों से, कि मैं तुमको एक सहायक दूंगा, अर्थात किसका आत्मा? पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? और वो सत्य का आत्मा। यीशु मसीह ने इसका जवाब इसलिए नहीं दिया था क्योंकि इसका जवाब इतना आसान नहीं था जितना लोग सोचते हैं। सत्य क्या है इसको जानने के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से वादा किया था कि तुम परेशान मत होना, मैं तुमको सहायक दूंगा सत्य का आत्मा, वो तुम्हें सब सत्य बताएगा भी, दिखाएगा भी और चलाएगा भी। सत्य वो चीज है, हालेलुया। और पहली चीज, ट्रुथ इज स्पिरिचुअल नॉट अ फिजिकल। ये क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, सत्य क्या है? आज लोग आते हैं मेरे पास, तमाम लोग सवाल करते हैं सत्य क्या है, सत्य की खोज करना मांगते हैं, लेकिन सत्य मिलेगा नहीं, क्योंकि सत्य बिना सत्य की आत्मा के आपको नहीं मिल सकता। तो टफ पार्ट क्या है? सत्य का आत्मा। और ये सत्य का आत्मा किसको मिलता है, कैसे मिलता है, कब मिलता है, क्यों मिलता है? हाँ, ये तो प्रोसेस वाली चीज है जी। अब यहां पर उसने कहा सत्य क्या, यीशु मसीह ने उन यहूदियों से जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 31 32 पद में उसने कहा, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब तुम सत्य को जानोगे। वहां पर भी राज खोला है। कभी किसी का दिमाग गया ही नहीं, क्योंकि लोगों ने बाइबल को सिर्फ शब्द पढ़े, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं पढ़ा। पवित्र आत्मा ऑब्जर्वेशन में लेके जाता है, स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन। और जब तक आप बॉर्न अगेन नहीं होंगे, स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन आपके अंदर होगा ही नहीं, यानी आत्मिक अवलोकन जिसको बोलते हैं हिंदी में। आज के दिन लोगों को मैंने ट्रेडिशनली देखा है कि ट्रेडिशन में लोग क्या करते मालूम है, सात वाणियां। मैंने इसको अपने बचपन से बड़ी उम्र तक देखा, बहुत बचपन से,
और हमने एक चीज देखी बाय ऑब्जर्वेशन आई रिसीव समथिंग, मैंने कुछ पाया ऑब्जर्वेशन से कि गुड फ्राइडे वाले दिन आप उन लोगों को देखिए कितने दुखी होते हैं। पहली चीज हमने देखा लोग बहुत दुखी होते हैं इस दिन। दूसरी चीज हमने देखी बहुत संजीदा होते हैं, सीरियस। तीसरी चीज हमने देखी कि वो तीन सात वाणियां जो है उन पे बहुत उनके माइंड में, आप क्या सात वाणी नहीं होती? हमने कहा ये पूरी पुस्तक उसने रखी है और सात वाणी साल में एक बार आपको नहीं मिलती है, तो आपको यानी सिंबल चाहिए। जी वो सात वाणी में उनको आज तक कुछ समझ ही नहीं आया कि वो सात वाणियां क्या थी। अरे यीशु मसीह को जो बोलना था उसने बोल दिया, वो सब एप्लीकेबल भी हो गया। अब हमारा गॉस्पल से संबंध होना चाहिए ना कि सात वाणी से। गॉस्पल कहां गया? गॉस्पल की जगह सात वाणी आ गई। बस सोचते हैं एरस पकड़िएगा, हम एरस बोलते जाएंगे, ग्रास्प करने की आपकी क्षमता कितनी है ये आप करिए। सात वाणियों में यीशु मसीह ने कहा था क्या सात वाणी? कभी सात वाणी वर्ड ही नहीं है बाइबल में। ये तो अलग अलग पुस्तक से उन्होंने जो उसने क्रूस पर बोला सबने अलग अलग कंपाइल करके सेवन वर्ड्स बना दिए, सेवन वर्ड्स ऑन द क्रॉस। इमोशनली बहुत अच्छा लगता है लेकिन क्या उसका स्पिरिचुअल रिलेशन है? हैं? एक वर्स पढ़िए आपको आज, क्योंकि ट्रेडिशन को हमने तोड़ा। यीशु मसीह ट्रेडिशन तोड़ने आया था, हम सफल हुए क्योंकि हमने यीशु मसीह को फॉलो किया। हार्ड पार्ट है ट्रेडिशन को तोड़ना। हम संसार में ट्रेडिशन नहीं तोड़ सकते, अपनी लाइफ में तो तोड़ सकते हैं, तो शुरुआत हम क्यों ना करें। जब मेरे अंदर यह प्रश्न उठता था कि लोग ट्रेडिशन में फंसे जा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा मुझसे कहता था शुरुआत तू कर अपने जीवन में। यदि तू सुधर गया तेरे संपर्क में आने वाले लोग सुधर जाएंगे, वो लाइट उनको मिलेगी जो लाइट प्रभु देना चाहता है। एक वर्स पढ़िए जो आपको मिलेगी, कुलस्सियों की पत्री दो अध्याय उसका आठ पद। कुलस्सियों की पत्री दो अध्याय उसका आठ पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। अरे हिंदी वाली चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान, ये वाली बात हमेशा एकदम आप इसको माइंड में बसा लीजिए, क्योंकि इस कलीसिया में ये कलीसिया को चिट्ठी लिखी जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये आज हो चुका है ऑलरेडी, ये यानी कलीसिया इस कंडीशन में चली गई है। कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा, अहे का मतलब क्या होता है? शिकार ना, इसका मतलब कलीसिया के लोगों का शिकार होगा विश्वास में। जब प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे तुरंत शिकारी आ जाएगा आपको पकड़ने। जी देखिए वो क्या करेंगे, जो मनुष्यों के परंपराई मत के अनुसार और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार आपको सब चीजें सिखाएंगे, लेकिन वो मसीह के अनुसार नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड द फॉल्स टीचिंग, दैट इज कॉल्ड द टीचिंग ऑफ एरर्स। ट्रेडिशन में आपको क्या मिलता है? एरर्स। हमारे पास एक सवेरे सवेरे पासवान का फोन आया, उन्होंने कहा कि हमने उस दिन बताया था ना कि परमेश्वर पर्व से नफरत करता है, कहने के पर्व से नफरत करता है लेकिन लोग तो पर्व ही मना रहे। हमने कहा कि अगर लोगों को सत्य मिला होता, ये लोगों की गलती नहीं है, लोगों को सत्य दिया गया होता तो आज कुछ और पिक्चर होती, क्योंकि लोगों को सत्य नहीं मिला और लोगों की गलती है कि लोगों का इंटरेस्ट कभी सत्य के प्रति रहा ही नहीं, दोनों तरफ से फॉल्ट है। इसलिए जो आपको दिख रहा है ये भी परमेश्वर के वचन में लिखित है और इसे देखकर सीखना है। परमेश्वर हमको ऐसे ही नहीं सिखाता वर्बली यानी थियोरेटिकली, वो हमको दिखाता है और सिखाता है। तो हम देखकर क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कहां गलती हो रही है, और गलती का सुधार हो तो आप कभी किसी मंडली को सुधारने के बजाय खुद को सुधारें। आप नई सृष्टि बनके खड़े होंगे ना तो प्रभु आपके द्वारा काम शुरू कर देगा, उसको एक व्यक्ति चाहिए जो सरेंडर हो। अब आप देखिए यहां से हम चलते हैं, ये इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो, सी टू एट। देखिए परमेश्वर का वचन आपको हमेशा, ज्यादातर पार्ट्स में मैंने देखा कि परमेश्वर का वचन हमें कुछ देखने को बोलता है, प्रेरित करता। देखो सी टू एट, दैट नो वन कैरीज यू ऑफ एज स्पॉइल एंड मेक्स यू
yourself captive by his so-called philosophy and intellectualism and vain deceit, idle fancies and plain nonsense, following human tradition, men's ideas of the material rather than the spiritual world, just crude notions, following the rudimentary and elemental teachings of the universe and disregarding the teachings of मसीह की शिक्षा कहां गई? इसी में लिखा हुआ है, ये पत्री है। लोगों ने पत्री को सीरियस नहीं लिया। पहली सदी की कलीसिया की खास बात क्या थी मालूम है? पौलुस की पत्रियों को वो ऐसे लेते थे कि हमारे लिए कमांड आया है, और पत्री एक होती थी और वहां पे कलीसिया में पढ़ के सुनाई जाती थी, लोग उसको रट लेते थे, याद कर लेते थे। ये पॉइंट हमारे लिए है, मसीह की शिक्षा में स्थिर रहने के लिए आपको रेगुलरली आपको चेतावनी मिलती रहे कि मसीह की शिक्षा से ना दाहिने ना बाएं, इधर उधर जरा सा भी मिस पॉइंट नहीं करना, नहीं तो एरर में चले जाओगे। और आज क्या दशा हुई जिसकी भविष्यवाणी बाइबल में लिखी हुई है? पौलुस ने कह दिया था, हमारे मेरे जाने के बाद तुम में यानी कलीसिया में फाड़ खाने वाले भेड़िए आएंगे और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तितर बितर कर देंगे। आज कंडीशन देख सकते हैं, यू कैन सी नाउ। हालेलुया, आपको कितना सतर्क होने की जरूरत है। मसीह की शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्धार अगर आपको कंप्लीट करना है तो मसीह की शिक्षा में बने रहना है। अनंत जीवन चाहिए तो मसीह की देह में बने रहना है, कलीसिया में बने रहना है। जी, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। क्रूसिफिक्शन के समय यीशु मसीह के माइंड में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या था? पहली बात आपको बता दें कि आप जब पिक्चर इसमें देखते हैं, ट्रेडिशनल वे में जब आपको बताया जाता है कि यीशु मसीह, आज क्रूसिफिक्शन डे ऑफ क्रूसिफिक्शन है, गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे का मतलब होता है अच्छा शुक्रवार। तो गुड फ्राइडे को बैड फ्राइडे कैसे बन जाता है? हमारी भावना बैड हो जाए तो वो फ्राइडे हमारे लिए बैड फ्राइडे होगा। हमारी भावना में दुख आ जाए तो सैड फ्राइडे हो जाएगा, और हम गुस्से में या जुनून में पागल हो जाए तो मैड फ्राइडे भी हो जाएगा। लेकिन दिस इज ओनली अ गुड फ्राइडे, नॉट अ मैड और सैड फ्राइडे। ये बहुत संतुलित रहने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी। जब आप मसीह की शिक्षा पे को देखें या सुने, और जब आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर फोकस करें, तो बैलेंसिंग होनी चाहिए हमारे अंदर। इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सब चीजों का बैलेंस आना चाहिए, बैलेंस माइंड चाहिए। मसीह की शिक्षा बैलेंस्ड डॉक्ट्रिन, या इसको आप कहते हैं कि ये माइंड को हमारे बैलेंस करने के लिए दी जाती है, ना कि डिसबैलेंस करने के लिए। जब मसीह ने क्रूसिफिक्शन था, उस समय इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उसके अंदर क्या था? देखिए, अभी हमने आपको पढ़वा भी दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है। तो उसने कहा, क्या तू राजा है? तो उसने कहा, तू कहता है, मैं तो इसलिए आया हूं कि लोग सत्य में सत्य की गवाही दूं। हां, और तब उसने पूछा ओरिजिनल क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रुथ, सत्य क्या है? यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह ने जवाब क्यों नहीं दिया? हम लोग हर एक को जवाब देने की कोशिश करते हैं, जैसे ही बोला तारसीएल, चाहे वो गलती क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह जवाब देने में कभी जल्दी नहीं करता। बैलेंस माइंड था। पूछने वाले का उद्देश्य क्या है, ये पहले मालूम होना चाहिए। जवाब उसी को दो जिसका उद्देश्य सही हो। गलत उद्देश्य से सवाल किया जाए तो कभी जवाब मत दो। ये मैंने सीखा, यीशु मसीह से सीखा, वचन से सीखा। जी, अब यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था? अब आपको मैंने क्लू भी दे दिया, मेन सब्जेक्ट क्या था उसके अंदर, किंगडम ऑफ। क्लू देने के बाद नहीं पकड़ पाए, किंगडम ऑफ साबित कर दे। यीशु मसीह वहां पर जो कुछ बोल रहा था वो फुलफिलमेंट कर रहा था। यीशु मसीह के जो सेवन वर्ड्स बोलते हैं ना, वो दैट इज द फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ
एंड प्रॉफिट्स, भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा था और व्यवस्था को पूरा कर रहा था, वो फुलफिलमेंट हो रहा था। उस फुलफिलमेंट पे फोकस करने के बजाय हमारे जीवन में वो फुलफिलमेंट कैसे होगा, ये क्वेश्चन होना चाहिए, इससे संबंधित बात होनी चाहिए कि ये सुसमाचार हमारे जीवन में, क्योंकि हमको तो सुसमाचार मिला है, हम वहां पर नहीं थे, हमको सुसमाचार दिया गया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो हमको गॉस्पल में रिस्पॉन्ड करना है कि हमें वहां जाके हिस्टोरिकली रिस्पॉन्ड करना है? क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, गॉस्पल में जाके रिस्पॉन्ड करना है। गॉस्पल को लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। अब हम आपको बताते हैं, मेरे साथ एक वर्स निकालिए जो आपको मिलेगी, मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार पहले निकालिए, लूका रचित सुसमाचार और उसका अध्याय है 23, 23 अध्याय का 44 पद से पढ़िए, 23 अध्याय का 44 पद से। और लगभग दो पहर से, दो पहर से और तीसरे पहर, अब ये टाइम बताइए ये कौन सा टाइम है? नहीं, दोपहर आप लोग बोलते हैं, लेकिन कभी तिपहर नहीं बोला, तीसरा पहर नहीं बोला, नहीं। दोपहर कहां से शुरू होती है? आफ्टर ट्वेल्व आप गुड आफ्टरनून का बोलते हैं, आफ्टर ट्वेल्व, उससे पहले मॉर्निंग होता है, 12 बजे के बाद। दोपहर से तीसरे पहर तक, यानी 12 से और 3 के बीच, 12 से 3 के बीच, ऐसे ही टाइम की गणना निकाली जाती है। दोपहर से तीसरे पहर के बीच सारे देश में, यानी इज़राइल में, पूरे सारे कंट्री में अंधियारा छा गया। ये देखिए, या ये यहूदी लोग कर रहे थे, या शास्त्री फरीसी के करने से हो रहा था, या ये परमेश्वर की योजना पूरी हो रही थी। तो क्रूसिफिक्शन इज द वर्क ऑफ गॉड द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, ये कर रहे थे। इसलिए उनमें जाके टिप्पणी करना उन सात वाणियों को अपने, दैट इज कॉल्ड स्पेक्यूलेशन और दैट इज अ सिन अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टमेंट। कल न्यूज पे, कल की न्यूज बता रहे स्पेक्यूलेशन वर्ड के ऊपर, कल TV9 भारतवर्ष न्यूज पे वो एंकर, वहां पे जो यूक्रेन दावे कर रहा था कि मैंने ये नुकसान पहुंचाया, और वो रूस ये दावे कर रहा, दोनों के दावों को दिखा रहे थे कि उन्होंने कहा इतना नुकसान हुआ, उन्होंने कहा इतना हुआ, लेकिन उसने मालूम है बोला कि हम मीडिया हैं, हम आपको ये जो कुछ दिखा रहे हैं इस पे कोई गारंटी नहीं कि ये ट्रुथ है। उसने कहा दीज ऑल आर द स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है व्यर्थ विचार, हिंदी में गूगल में सर्च करके स्टडी कर लीजिएगा। जब हम 7 वर्ड्स को लेकर लोग अपनी अपनी भावना मिला के जो चीज रख रहे, दैट इज कॉल्ड स्पेक्यूलेशन एंड दैट इज अ सिन। नए नियम में उसने कहा सब व्यर्थ विचार करने लगे, परमेश्वर के वचन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ट्रुथ को छोड़कर स्पेक्यूलेशन करना। व्हाई यू आर स्पेक्यूलेट द प्लान ऑफ गॉड? करना चाहिए? दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या यह उचित है? लोग ट्रेडिशन बना लिया, हालेलुया। दोपहर से तीसरे पहर के बीच सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक बीच से फट गया, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, ये कहकर प्राण छोड़ दिए। मंदिर का पर्दा फट गया था यीशु मसीह के प्राण छोड़ने से, हालेलुया। लेकिन आपको मालूम है पेनफुल चीज क्या थी? पेनफुल चीज मैं आपको बताता हूं, ये उसमें मरकुस रचित सुसमाचार में आ जाइए, चारों गॉस्पल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन सब चीजें मिलकर एक जगह पे आकर रुकती हैं। इसका मरकुस का 15 अध्याय का 33 पद से पढ़िए, मरकुस 15 अध्याय 33 पद। अब सिमिलैरिटी देखिएगा, 3-4 गवाह हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जी, और दोपहर होने पर, यहां पे भी वही चीज है, दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा,
तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा सबक्तनी। इसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे, देखिए स्पेक्यूलेशन किसे कहते हैं, अब सीखिए है बाइबल में। जो लोग पास खड़े थे वहीं से स्पेक्यूलेशन शुरू हो गया था। उन्होंने क्या कहा, उन कितनों ने यह सुनकर कहा, ले दिस इज कॉल्ड द स्पेक्यूलेशन। वो कह रहे थे एलिया को बुला रहा, क्या भाषा नहीं समझ में आ रही थी, विदेशी भाषा बोल रहा था। नहीं, हम आपको बताते हैं यहां पे क्या हुआ, इसके लिए भी स्टडी बहुत जरूरी है। यीशु मसीह बाइलिंगुअल था। बाइबल जो दो भाषाएं हैं, सीख लीजिए, ओल्ड टेस्टमेंट द ओरिजिनल लैंग्वेज इज हिब्रू एंड न्यू टेस्टमेंट द ओरिजिनल लैंग्वेज इज ग्रीक, और इन दोनों लैंग्वेज को अगर मिक्स करें तो बनती अरेमिक लैंग्वेज। अरेमिक लैंग्वेज, अरेमिक लैंग्वेज जो होती है ना, यीशु मसीह बाइलिंगुअल बोल रहा था, ये अरेमिक लैंग्वेज थी, इसीलिए इसका अर्थ यहां पे लिखा हुआ है। और ये भाषा इलोई इलोई लमा सबक्तनी, इसका मतलब है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुद्दे की बात कर रहा था। लेकिन वहां पर खड़े लोग इस भाषा को इंटरप्रेट कर रहे थे अपने माइंड से कि देखो एलिया को बुला रहा है, इलोई इलोई को वो एलिया कह रहे। ऐसे ही कई बार हम लोग बाइबल के साथ करते हैं, स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहिए। इसमें से किसी भी चीज का अपने मन से अर्थ मत लगाइएगा, नहीं आप फंस जाएंगे। यीशु ने ये बात क्यों बोली कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये बात बोलने का क्या आधार था, किसी को नहीं। करेक्ट। ये बात किसी को समझ में नहीं आई। परमेश्वर कभी भी पापी के साथ संबंध नहीं रखता। यीशु मसीह के लिए फिजिकल डेथ डर नहीं था, लेकिन स्पिरिचुअल डेथ उसके लिए बहुत पेनफुल था। वो पिता से कभी अलग हुआ ही नहीं था। दिस इज द ब्रेक द ट्रिनिटी, पिता और पुत्र का, क्योंकि पिता पुत्र एक। यीशु मसीह ने बार बार इस बात को बोला, पिता और पुत्र, मैं और पिता एक है। इनकी यूनिटी को तोड़ना या टूटना ये बहुत पेनफुल था। यीशु मसीह वेदना से चिल्ला रहा था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर को उसको छोड़ना ही था, क्योंकि उसके ऊपर समस्त मानव जाति का पाप आ गया था, इम्पोज हो गया था। और परमेश्वर पापी के साथ कोई संबंध नहीं रखता। अब प्रभु यीशु मसीह का पिता के साथ संबंध विच्छेद हो गया, डिस्कनेक्शन। दिस इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल डेथ। अब आप पीछे जाके देखिए फर्स्ट एडम को। फर्स्ट एडम ने जब फ्रूट खाया था, उसकी स्पिरिचुअल डेथ हुई थी ना, लेकिन उसको इस बात का अनुभव नहीं था, क्योंकि वो स्पिरिचुअली परमेश्वर के साथ उस रिलेशनशिप में इतना मजबूत नहीं था। लेकिन यीशु मसीह मजबूत था, गुड रिलेशनशिप थी, इसलिए उसको यही नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ। वैसे ही हम लोग, हमें पता ही नहीं चलता कि हम स्पिरिचुअली डेड हैं और हमारा परमेश्वर के साथ सही संबंध होता क्या है। यीशु मसीह ने इस रिलेशनशिप को एडम, इसीलिए वो आदम के रूप में आया, वो आदम से ही उसको कंपेयर किया गया। जब वो आदम बन के आया तो उसके आने के कारण, उसके इस मकसद के कारण, जिस मकसद से आया था कि फिर से वो रिश्ता वापस एडमिक नेचर हटा के उसके साथ जोड़ दिया जाए पिता के साथ, उसका रिश्ता डिस्कनेक्ट हुआ था हमारी खातिर। किसका पाप था उसके ऊपर, और जब हमारी खातिर उसने, पिता ने उससे संबंध विच्छेद किया, वो संबंध दोबारा कैसे कायम हुआ, वो रेजरेक्शन के बाद फिर से कनेक्ट हो गया। अब वो पिता के दाहिने बैठ गया विद पावर। अब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमको किसकी धार्मिकता मिलती है, यीशु मसीह की धार्मिकता मिलती है, हमारी नहीं। और उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा हमको वो धर्मी बनाता है इन नेचर कलीसिया में।
अब देखिए यहाँ पर वो डिस्कनेक्शन हुआ है, यही वो कह रहा था कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसके बाद आगे पढ़िए, लोग कहने लगे कि वो एलिया को बुला रहा है। इसके बाद पढ़िए, एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसके उसको चुसाया और कहा ठहर जाओ। मजाक उड़ा रहे थे, देखिए एलिया उसको उतारने के लिए आता है कि नहीं जी। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा फटकर दो टुकड़े हो गया। और आगे क्या लिखा है, जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था जब उसने उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, गवाही कौन दे रहा है? यीशु मसीह ने क्या बोला था पाम संडे वाले दिन, ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये पत्थर दिल व्यक्ति जो उसे मार रहा था बेदर्दी से, इसने गवाही दी कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। जब कोई दूसरा व्यक्ति आपका विरोधी आपका दुश्मन खड़े होकर कहते वाकई में ये मसीह है, तब मानिएगा ये सच्ची गवाही है, उसको दिख गया। अब इसके साथ साथ मत्ती में आ जाइए, मत्ती में आ जाइए, मत्ती 27 अध्याय, 27 अध्याय, 27 अध्याय का 47 पद से पढ़िए। जो वहां खड़े थे उसमें उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वो तो एलिया को पुकारता है, वही वाली बात वहीं से हमने उठाया जी। उनमें से एक तुरंत दौड़ा, स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और उन्होंने कहा ठहर जाओ, देखे कि एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो, फिर देखिए देखो, जब ये आपको वर्ड बाइबल में बार बार मिलेगा, ये बहुत कॉमन वर्ड है, इसको आप अपने दिमाग में रख लीजिए। देखो को हिब्रू लैंग्वेज में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा होगा सीला, SELAH, सीला। सीला का मतलब मालूम क्या है, स्टॉप एंड थिंक। इसको आप सिंपल भाषा में बोलते हैं मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दें। जब आप देखो वर्ड पढ़ते हैं तो वहां पे आपको रुक जाना है और वहां पे आपको ध्यान लगाना है, क्या देखना है जी। देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गई, आगे और कब्रें खुल गईं और सोए हुए सब लोग नहीं। ये फिजिकल डेथ जिनकी, जो पवित्र लोग जो जिनकी फिजिकल डेथ हो गई थी, उन वो लोग क्या हो गए, उनके शव उनकी लोथे किस समय, जैसे यीशु ने प्राण त्यागा, द डे ऑफ सेल्वेशन। इसीलिए बोलते हैं कि आज ही के दिन कब्रों में से पवित्र लोग जी उठे थे, ये हमारे जी उठने वाला दिन है, हालेलुया। लेकिन एक खास बात हो रहा है, आगे पढ़ लीजिए, जी तो उठे थे किसके, यीशु में, और उसके जी उठने के बाद पहले नहीं निकले, जी गए थे, जी उठे थे कब्रों में लेकिन निकले नहीं थे। यीशु मसीह जब कब्र से बाहर आया उसके बाद वे भी कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे कब्र पे, भूलडोर और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच ये परमेश्वर का, यानी ढेरों लोग गवाही दे रहे हैं, वो सैनिक गवाही दे रहे हैं जो उसे मार रहे थे, हालेलुया। उनकी गवाही तो कम से कम ध्यान देनी चाहिए थी कि वो दे रहे थे और हम क्या कह रहे हैं। हम मसीह के जी उठने की गवाही हमारे जीवन से होनी है, मुंह से नहीं खाली।
मुंह से नहीं बोलना है कि वो जी उठा है, हमारे जीवन में वो दिखना चाहिए कि वो जी उठा है, हम उसके साथ जीवित हुए हैं कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यीशु मसीह ने जो कुछ किया उसका एप्लीकेशन हमारी लाइफ में नहीं हुआ तो इसका मतलब हम सुसमाचार को हमने ग्रहण नहीं किया, हम ट्रेडिशन में खड़े हुए। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बात बोली थी कि इस मंदिर को ढा दो, यहूदियों से कहा था, सुलेमान का मंदिर था, उनसे कहा था इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय, 2 अध्याय का 13 पद से पढ़िए, 13 से 22। यहूदियों का फसे का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया, उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए देखा और रस्सी का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखरा दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा इन्हें यहां से ले जाओ। ये प्रतीक थे, देखिए सिंबल्स बेचे जाते थे जी, मेरे पिता के भवन को आज क्या है बना दिया, यहां पर उसने एकदम ट्रेडिशन तोड़ दिया था जी। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, देखिए चेलों को याद आ गया, पवित्र आत्मा ने चेलों को याद दिलाया, भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि मेरे पिता का घर तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी जी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा तू जो ये करता है, यानी यहूदी लोग उसके हर एक्ट में उससे प्रश्न करते थे कौन सा चिन्ह, वो चिन्ह मांगते हैं जी, चिन्ह का मतलब सिंबल। यीशु ने उनको उत्तर दिया इस मंदिर, देखिए उसने और उन्हें फंसा दिया, इस मंदिर को ढा दो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा जी। यहूदियों ने कहा सुलेमान का मंदिर था, उसको बनाने में कितने साल लगे, 46 साल लगे हैं, क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा जी। आगे पढ़िए, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था, सो जब वो मुर्दों में से जी उठा तब उसके चेलों को ये बात याद आई कि उसने क्या कहा था। हाँ, उन्होंने पवित्र शास्त्र, मतलब पुराना नियम, व्यवस्था और भविष्यवक्ता, पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था, तब उन्होंने इस बात को मान लिया, यानी प्रतीति कर ली, then they believe, yes, नहीं जब वो प्रतीति की, जब वो यरूशलेम में फंसे के समय पर्व में था, बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। चिन्हों पर विश्वास नहीं किया था, नाम पर किया था। आपका विश्वास किस पर है, चिन्ह पर के नाम पर? आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या प्रतीकों पर विश्वास करते हैं? लेकिन ज्यादातर लोग प्रतीकों में फंसे हुए, सिंबल्स में। यीशु मसीह ने जब ये वाली बात उसको टॉन्ट की गई थी क्रूसीफिक्शन में भी, मत्ती रचित सुसमाचार निकाल के पढ़ लीजिए, ये जितना वो साइन दिखा था, 27 अध्याय का 40 पद पढ़िए, मत्ती 27:40 क्रूसीफिक्शन वाले दिन वो मंदिर वाली बात जो उसने बोली थी यहां पर टॉन्ट की गई। और ये कहते थे हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्टा करके कहते थे इसने औरों को बचाया
पर अपने को नहीं बचा सका। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे वो बचा और बचाया। लूका रचित सुषमाचार और उसका 23 अध्याय का 39 वर्स से पढ़िए। 23:39 जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी यीशु मसीह की निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है, हमें तो न्याय अनुसार, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। ये डाकू बोल रहा है, डाकू गवाही दे रहा है। आज अच्छे अच्छे धर्मी यीशु मसीह की गवाही नहीं दे पाएंगे जो डाकू ने दी। जी, तब उसने कहा, हे यीशु, उस डाकू ने जो उसको प्रिटेंड कर रहा था उसके बारे में बोल रहा था ये इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, इसका मतलब वो इस बात को मान रहा था, ही इज द किंग एंड ही हैज द किंगडम। हम उसी किंगडम की बात आपसे करते हैं। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे राज्य में होगा, स्वर्गलोक में होगा। जी, कितनी देर लगी उसको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने में? केवल अंगीकार किया। उसने कोई काम किया? कहीं फंसा वो? कोई सिंबल की जरूरत नहीं थी, उसको तुरंत परमेश्वर के राज्य में ग्रहण कर लिया। यीशु मसीह तुरंत ग्रहण करने को तैयार है। लोगों को अपने शरीर से, शारीरिक जीवन से, अपनी लालसाओं से, अपनी चीजों से छूटने में वक्त लगता है, और जीते जी अगर नहीं छूट पाए तो फिर तो इम्पॉसिबल, इटर्नल डेथ। कलीसिया की स्थापना क्यों की गई? ताकि लोग कलीसिया में इन सब चीजों से छूट कर उसके राज्य के वारिस बने। बहुत मुश्किल है छूटना। वो तो डेथ बेड पे था, यानी मृत्यु शैया पर था। उसको मालूम था कि अब मेरा जीवन खत्म है, मैं मर रहा हूं, मरने से पहले स्वर्ग राज्य का वारिस बन जाऊं। ये डेथ बेड सेल्वेशन बोलते हैं। लेकिन हम लोग तो अभी जीवित हैं, और अभी पता नहीं कितना जीवन है, हमारे बच्चों का भी जीवन है। क्या हम अगर प्रवेश नहीं करें, क्या हमारे बच्चे प्रवेश कर जाएंगे? यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर आप प्रवेश करेंगे तो आपकी पूरी जनरेशन प्रवेश कर जाएगी। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए आज के दिन के लिए, और इस कार्य के लिए जो परमेश्वर ने स्वयं किया अपने पुत्र का बलिदान। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 22 पद से 25 पद तक पढ़िए। पहला पत्रस 2 अध्याय 22 से 25, 1 पीटर ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर, गाली ना देना एक बात है, हो सकता है आपने गाली कभी ना दी, लेकिन अगर आपने गाली सुनी तो आपने कितनी बर्दाश्त की? गाली सुनने के बाद आपको रिएक्शन क्या होता है? गाली सुनकर गाली को सह लेना, कितनों के पास है ये शक्ति? मान लेते सब कि सब कुछ कर लो, गाली मत देना। गाली दी तो बस खून खौल जाता है ना। गाली सुनकर, इसका मतलब यीशु मसीह लोग उसको गाली देते थे, वो कहता था दे हो तुम्हारा ही मुंह गंदा होगा। मैं अपना दिल गंदा नहीं करूंगा गुस्सा करके। जी, और दुख उठाकर, जब हम लोग दुख उठाते हैं तो मालूम सबको धमकी देते रहते, आज हमारे साथ है तुम्हारे साथ भी होगा, देखना हंस रहे हो ना, तुम्हारे पर भी बीतेगी। धमकी दे रहे, वो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को
सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर उसकी मृत्यु पे इतनी स्पेक्यूलेशन करने से अच्छा है कि अपने पापों के लिए किसका लेकर गया था, तो उस पे स्पेक्यूलेशन क्यों कर रहे हो कि किसने क्या किया, ये किया, वो किया। वो हमारे पापों को लेकर गया था ताकि हम अपने पापों के लिए मरकर उसके लिए धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से। देखिए, जब तक आपका लाइफ चेंज नहीं होगी, एक्सचेंज ऑफ लाइफ नहीं होगा, आपको हीलिंग नहीं मिलेगी। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, तुम क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, 25th इन इंग्लिश। For you were going astray like so many sheep, but now you have come back to the shepherd and guardian, the bishop of your souls. आपके प्राणों का बिशप कौन है? Only one name. His name is Jesus Christ. और ये बात मैं सबके मुंह पे बोल सकता हूं कि कोई मेरा बिशप नहीं जी यीशु मसीह को छोड़ के, क्योंकि बाइबल में लिखा है ही इज माय बिशप ऑफ माय सोल, और उसने मुझे जो दिया वो कोई नहीं दे पाएगा। सब नामधारी बिशप हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह सच्चा बिशप है, इज द ट्रू बिशप, बिशप ऑफ माय सोल। थैंक यू जीसस फॉर द लाइफ लॉर्ड। आपने हमारे मरणहार जीवन को लिया और हमें भरपूरी का जीवन दिया। व्हाट अ एक्सचेंज! उसने हमारे प्राणों को मृत्यु, अनंत मृत्यु से छुड़ा लिया। गुड न्यूज। एक वर्स निकाल लीजिए इसी के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्रूसिफिक्शन हमारे जीवन में लागू नहीं हो पा रहा है। एक वर्स और निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा तिमोथियस, सेकेंड तिमोथियस चैप्टर 1:9-10, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना। दूसरा तिमोथियस 1:9-10, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। आगे, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। बेटा इसको इंग्लिश में दोनों पढ़ दो, 2 Timothy 1:9-10 इन इंग्लिश। फॉर इट इज ही who delivered and saved us and called us with the calling in itself holy and leading to holiness to a life of consecration, a vocation of holiness. He did it not because of anything of merit that we have done, but because of and to further his own purpose and grace, unmerited favor which was given us in Christ Jesus
बिफोर द वर्ल्ड बिगैन इटर्नल एजेस अगो इट इज दैट पर्पस एंड ग्रेस विच वी हैज नाउ विच ही नाउ हैज मेड नोन एंड हैज फुल्ली डिस्क्लोज एंड मेड रियल टू अस थ्रू द अपियरिंग ऑफ आवर सेवियर क्राइस्ट जीसस हु अनल्ड डेथ एंड मेड इट ऑफ नो इफेक्ट एंड ब्रॉट लाइफ एंड इमोर्टैलिटी इमोर्टैलिटी का मतलब क्या होता है इम्यूनिटी फ्रॉम इटर्नल डेथ यानी अनंत मृत्यु से बचाने के लिए हमको इमोर्टल कर दिया इमोर्टल का मतलब होता है अमर अमर बना देता है और ये जीते जी अमर बनना है ताकि आपके ऊपर आपको मृत्यु निगल ना दे जी टू लाइट थ्रू द कैसे आपको मिलेगी ये इमोर्टैलिटी थ्रू द गॉस्पल ऑलवेज रिमेंबर गॉस्पल इज अ मिस्ट्री गॉस्पल सिर्फ शब्दों में नहीं है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया मारा गया गाड़ा गया तीसरे दिन जी उठा ये वर्बल नहीं है ये हमारे जीवन में पूरा होना है वो हमारे पापों के लिए मरा हम पापों के लिए मरकर उसके ताबे हो जाएं क्योंकि हम उसके ऋणी हैं हम उसके कर्जदार हैं क्योंकि उसने हमारे पापों को लिया और हमें जो जीवन आज हम जी रहे हैं वो उसका जीवन है और हमारी मृत्यु उसने ली और हमें जीवन दिया एक्सचेंज है और क्रूसिफिक्शन पे यीशु मसीह ने क्या किया दुनिया को कभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि दुनिया उसको सोचती है कि वो केवल आया और मर के चला गया रेजरेक्शन में बिलीव नहीं करती हालेलुया क्या रेजरेक्शन धोखा है या सच्चाई ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका प्रमाण आज भी है खाली कब दुनिया में कोई दोष लगाना बहुत आसान है लेकिन साबित करना और लोग दोष लगाने में कोई किसी से पीछे नहीं लेकिन साबित कोई नहीं कर पाता और साबित करने के बजाय लड़ाई करने में क्योंकि साबित नहीं कर सकते तो लड़ो लेकिन यीशु मसीह का जो रेजरेक्शन था वो भी एक सच्चाई है और कलीसिया की शुरुआत रेजरेक्शन के बाद पेंतेकुस्त के दिन से हुई कलीसिया कहां पे जन्म ले रही है यीशु मसीह पेंतेकुस्त पे हाँ, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण 40वें दिन 50वें दिन पवित्र आत्मा उंडेला जाना वहां से कलीसिया का जन्म हुआ और आज कलीसिया खड़ी कहां है पीछे जाके खड़ी हो गई या आगे जाना चाहिए था पत्रियों की तरफ बढ़ना चाहिए था पत्रियों की तरफ ना बढ़ के वो पीछे जाके सिंबल्स की तरफ चली गई थैंक यू जीसस सुसमाचार जो कलीसिया का शुरुआत थी कलीसिया की शुरुआत सुसमाचार से हुई और वो भी सुसमाचार पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पत्रस ने सुसमाचार सुनाया फर्स्ट टाइम उसके बाद ये 12 चेले सुसमाचार सुनाने लगे कलीसिया पहली सदी की कलीसिया आपको मिलती है वो सुसमाचार पर आधारित है आप वहां पर जो पावर देख रहे हैं वो पावर आज कहां चली गई क्योंकि कलीसिया बैक स्टेप चली गई उसको आगे पत्रियों की तरफ बढ़ना था तभी तो इब्रानियों में उसने कहा इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय पे एक से एक दो तीन पद पढ़ दीजिए इब्रानियों 6:1-3 इसके 5 का अंत जो है वो भी वहां पर भी डांट लग रही है कि तुम्हें तो अब तक गुरु हो जाना चाहिए था लेकिन तुम ऐसे हो गए हो जैसे मसीह में बालक ये कलीसिया के लोगों को बोला जा रहा कलीसिया इस हालत में है आज और इसीलिए 6 अध्याय का 1, 2, 3 पद पढ़ दीजिए इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर कहां बढ़े आगे सब सिंबल में फंस के रह गए बैक जाके आगे बढ़े और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने
और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से ना डालें। और आज लोग शिक्षा रूपी नेव डालने में लगे। हमारी नेव तो यीशु मसीह है। कलीसिया का फाउंडेशन कौन है? जीसस क्राइस्ट। ही इज ऑलरेडी लेड, वो पड़ी हुई है। कोई दूसरी नेव पर कलीसिया नहीं बना सकता। ये पौलुस ने शुरू में बता दिया था कि कोई दूसरी नेव नहीं है। प्रत्येक का काम परखा जाएगा, यानी मिनिस्ट्री को जो खड़ी कर रहे हैं सबका परखा जाएगा आग से। जिसका काम जल जाएगा वो नष्ट होने से खुद बचेगा, लेकिन पूरा नष्ट हो जाएगा। सब किया धारा उसका नष्ट, यानी उसकी पूरी मिनिस्ट्री चौपट न्याय वाले दिन। तभी तो यीशु मसीह का था न्याय वाले दिन कि उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य काम किए, तेरे नाम से भविष्यवाणी की, और मैं उनसे खुल कर कह दूंगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ। उन्हीं के लिए बोला जा रहा है। हालेलुया जी। आगे पढ़ दीजिए, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना इम्पॉसिबल है। इसलिए आप सात कलीसियाओं को प्रकाशित वाक्य में चिट्ठी लिख के क्या कहा था? गलत गलत कंडेमनेशन है वो, कंडेमनेशन, लेटर ऑफ द कंडेमनेशन, केवल फिलाडेल्फिया को छोड़कर। फिलाडेल्फिया में क्या खासियत थी मालूम आपको? फिलाडेल्फिया में वहां पे मसीह कलीसिया में ब्रदरली लव था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था मसीह में तुम सब भाई भाई हो। पोस्टें कहां से आ गई आज? पोस्ट बना ली, ये पोस्ट वो पोस्ट, ये पोस्ट वो पोस्ट। कलीसिया मसीह का परिवार है, परमेश्वर का परिवार है। परिवार में पोस्टें नहीं होती है, भाईचारा होता है, रिलेशनशिप होती है। कलीसिया में रिलेशनशिप नहीं है, पोस्टें हैं। फलाने पास्टर, ये फलाने बिशप, और ये फलाने डीकन, और ये एल्डर, और ये वर्शिप पास्टर, ये क्या है? यीशु मसीह ने जिस कलीसिया को बनाने को बोला था उसमें भाईचारा था, ब्रदरली लव था, जो फिलाडेल्फिया में रहा, इसलिए उसने कहा तेरा काम सही है। हालेलुया। सब सारी कलीसियाओं को मन फिराने के लिए बोला है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि यदि कोई मसीह में आकर भटक जाए उसे फिर से मन फिराव के लिए नया बनाना इम्पॉसिबल है। फिर भी उसने एक चांस दिया कि सुन लो, जिसके कान वो सुन ले, कलीसियाओं जिसके कान वो सुन लो कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यही लास्ट लाइन मिलेगी आपको, जो जय पाए उसी को कुछ मिलेगा। कलीसियाओं को बोला है, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज हम लोग मसीह की कलीसिया का हिस्सा है। अगर उस कलीसिया का जिसे यीशु मसीह ने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वो हमें बना रहा है, वो हमें आत्मिक जीवन में बना रहा है, क्या आप उसको अलाउ करेंगे कि वो आपको बनाए? वो आपको वो बनाएगा जो आप शायद बनना नहीं चाहते, वो आपकी मर्जी के बगैर आपको वो बनाएगा जो उसकी मर्जी है। क्या आप चाहते हैं कि वो बनाए जो वो चाहता है? इसी के ऊपर एक गीत है और जो हम अक्सर गाते हैं कि मैं मिट्टी हूं तू कुमार, जो कुछ तू चाहे रब मुझसे कर, मैं मिट्टी हूं तू कुमार है। लेकिन कितना हम अपने आप को उसको सरेंडर करते हैं, मिट्टी के समान। हम मिट्टी का लोंदा है तो, लेकिन हमारी अपनी मर्जी जो है ना वो परमेश्वर की इच्छा और योजना के बीच में आके खड़ी हो जाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। क्या आज आप अपने आप को पूरी तरीके से उसको समर्पित करने को तैयार है? जैसे एक छोटा बच्चा एक बड़े व्यक्ति के हाथ में, उसके वश में रहता है, वो अपनी मर्जी से कुछ करना चाहे तो नहीं कर सकता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या आप अपने आप को ऐसे समर्पित करने को तैयार है? इसीलिए यीशु मसीह ने एक छोटे बच्चे को सामने खड़ा करके डेमोन्स्ट्रेट किया था
जब तक हम इस बालक की नाई नहीं बने, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमको एकदम उसके ताबे होना है। वो जैसा चाहे वो मेरे साथ करे, जैसा वो कहे वैसा हम करें, और जैसा वो चाहे वैसा हम चले, जैसा वो हमसे एक्सपेक्ट करता है वो चीज हमारे जीवन में पूरी हो, ये वो चाहता है। और इसीलिए लिखा हुआ है कि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं और पुत्री हैं। क्या आप उसके बेटे बेटी बनने के लिए तैयार हैं? ये औधा पा लेना कि हम उसके उसके बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर की संतान, हमने उस पर विश्वास किया, हम परमेश्वर की संतान हो गए। ये पोजिशनल बिलीवर्स कहते हैं इसको। आपको पोजीशन तो मिल गई, आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं, आप उसके वारिस बन गए हैं। लेकिन वारिस जब तक नाबालिग है तब तक उसमें और गुलाम में कोई अंतर नहीं होता। आप वारिस तो बन गए हैं लेकिन गार्जियन आपको उसका पुत्र नहीं बनने देंगे। ये गलातियों में उसने खोला पौलुस ने। हम परमेश्वर की संतान तो बन जाते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करके, लेकिन हम वारिस नहीं बन पाते हैं, यानी मैच्योर नहीं हो पाते कि हम उस पोजीशन के लिए खड़े हों कि ये प्रभु, ये परमेश्वर की ओर से ये हमारा भाग है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वेरी गुड, आपने आप परमेश्वर की संतान बन गए। लेकिन संतान और बेटे में अंतर है। संतान कहते हैं नाबालिग को और बेटा कहते हैं बालिग को। क्या आप उसके बेटे बनना चाहते हैं? उसके लिए आपको कलीसिया में मैच्योर करेगा वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि आप उस अधिकार को जो यीशु मसीह के साथ आपको मिला है उस अधिकार को जाने और वो अधिकार आपके पास हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, यदि कोई आज बात को समझ गया है और आज अपने आप को रीडेडिकेट करना मांगता है, फिर से अपने आप को समर्पित करना मांगता है, वो अपने स्थान पे खड़ा हो और आपका ये डेडिकेशन परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने जो किया वो आपके अलावा कोई कर नहीं सकता था। आपने पाप पर और मृत्यु पर जय प्राप्त की और हमने आप पर विश्वास किया तो हम जयवंत से भी बढ़कर हो गए, क्योंकि किया सब कुछ आपने, हमें सेतमेत प्राप्त हो गया केवल विश्वास से। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमारे लिए इतना सरल मार्ग बनाया जो हमें आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते ही उसकी धार्मिकता भी मिल गई और उसकी पवित्रता के हम भागी हो गए। और हम कलीसिया में रखकर हमको आपने अपने पुत्र के साथ उत्तराधिकारी बनाने का काम शुरू किया, पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र वचन के द्वारा। हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आपकी एक एक मर्जी अक्षरशा जैसी लिखित वैसी पूरी हो, आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में लागू हो, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले और इस पृथ्वी पर हम आपके राज्य के विस्तार के लिए कार्य कर सके जिसके लिए आपने हमें तैयार किया है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के अच्छे दिन के लिए, आपके पवित्र वचनों के लिए और सबसे बढ़कर आपकी उपस्थिति के लिए, क्योंकि हमें ये मौका मिला, अवसर मिला कि हम परमेश्वर की उपस्थिति के भागीदार हों, हम उसकी उपस्थिति के गवाह बने, ताकि उसकी सच्चाई हमारे जीवन से प्रकट हो उसकी महिमा के रूप में और उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।